आपने कहावत तो सुनी होगी, अब पछताए होवे क्या जब चुड़िया चुग गई खेत। ये वाली जो कहावत है ये डीसी पर बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। आपने 3 सालों में कुछ ऐसी चीजें तो देखी होंगी डीसी से रिलेटेड जो कि फैंस को काफी ज्यादा निराश कर रही हैं, जैसे कि एक्टर्स की कंट्रोवर्सी को लेकर हो गया, या फिर डीसी की अपकमिंग मूवी को कैंसिल को लेकर हो गया, या फिर डीसी की अपकमिंग टीवी शो को लेकर हो गया, या फिर स्टोरी लाइन को लेकर हो गया कि वो क्या कर रहे हैं या फिर क्या करने वाले हैं या क्या कैंसिल कर रहे हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं डीसी से रिलेटिव जिसमें कि डीसी के फैंस का बिल्कुल विश्वास फूट गया है, तभी तो लोग मार्वल की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। और अब आज की हाईलाइट, डीसी फैंडम जो इस साल इवेंट होने वाला था वो कैंसिल हो गया है, तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीसी फैंडम जो इवेंट था वो जनता के सामने बिल्कुल एक न्यू कॉन्सेप्ट था, जिसमें कि डीसी अपने खुद की शो, मूवीज, गेम और उसी के साथ जो टेलीविजन शोज आते हैं अलग से, उनका जो यूनिवर्स चल रहा है उसकी अनाउंसमेंट करता है। तो जो पहले 2020 में होने वाला था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, उसको शिफ्ट करा अगले साल, तो डीसी फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज हुए। अब 2021 में जब वो इवेंट रखा गया तो हमें सिर्फ वही चीज़ें देखने को मिली जो कि हमें ऑलरेडी पहले से ही पता था, कोई भी नई मूवी की अनाउंसमेंट नहीं थी। अब आप कहोगे नहीं भाई, ऐसे तो उन्होंने रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन का ट्रेलर रिलीज करा था, बट भाई मैं न्यू अनाउंसमेंट की बात कर रहा हूँ, न्यू टाइटल की बात कर रहा हूँ। हम सब उम्मीद कर रहे थे कि हमें दोबारा से वही मूवमेंट देखने को मिले जब सैन डिएगो कॉमिक कॉन में बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का जब टाइटल रिलीज करा गया था, वो मूवमेंट ही देखने लायक था। आपको अगर दोबारा से देखना है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। क्राउड कितना खतरनाक था, मैं कह सकता हूँ कि मेरे तो भाई रोंगटे खड़े हो गए थे। तो वैसी अनाउंसमेंट का हर एक फैन इंतजार करता है, और जब से डीसी हम फैंस को कोई भी अच्छी खबर नहीं दे रहा है। अब इस साल में काफ़ी सारी मूवीज़ आने वाली थी, कम से कम 4 मूवी आने वाली थी, पर जिसमें कि हमें सिर्फ रॉबर्ट पैटिंसन की मूवी देखने को मिली बैटमैन की, और अब ब्लैक एडम देखने को मिल रही है, और उसके अलावा भी कोई भी मूवी नहीं देखने को मिल रही है। और सब फैंस को उम्मीद थी कि अक्टूबर में हमें 16 तारीख को या 21 तारीख को जो डीसी फैंडम होने वाला था उसमें न्यू टाइटल्स देखने को मिलेंगे, न्यू गेम देखने को मिलेंगे या न्यू टीवी सीरीज देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ कुछ कैरेक्टर की भी अनाउंसमेंट हो सकती थी। और अब खबर ये आ रही है कि इस इवेंट को अगले साल शिफ्ट कर दिया गया है। अब कुछ खबरों की बात कर लेते हैं, शिफ्ट करने का रीज़न क्या हो सकता है, क्योंकि देखो अभी हाल ही में जो कंट्रोवर्सी हुई है एज़रा मिलर को लेके, वो बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहा है। और अभी हाल ही में जो टेस्ट स्क्रीनिंग हुई है उसके चक्कर में जो मूवीज़ कैंसिल हुई हैं या फिर जिन मूवी को आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है, जैसे कि सज़ैम हो गई, एक्वामैन हो गई, तो उन मूवी की रीशूट भी चालू हैं। तो ऐसे में अगर इवेंट करेंगे तो शायद उनको ही लॉस हो सकता है कि इवेंट पे करोड़ों रुपये खर्च कर और अनाउंसमेंट के लिए 2-3 चीज़ें, तो मज़ा नहीं है। फैंस भी इसमें गालियां देंगे भर भर के। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ये उनका वैलिड पॉइंट लगता है। बट उन्होंने भी हाल ही में डीसी का एक न्यू स्टूडियो बनाया है जिसमें कि वो डीसी की टीवी सीरीज, जैसे कि डिज्नी प्लस पे मार्वल की सीरीज आ रही है, और ऐसे ही डीसी की जो मूवीज हैं उनका एक पूरा यूनिवर्स वो स्टेबल करेंगे, पूरा लाइनअप बनाएंगे, एक पूरा फेस बनाएंगे। और शायद उन्होंने यही सोचकर डीसी फैंडम को कैंसिल करा होगा कि पहले सारे नए टाइटल्स बना लेते हैं, सारा फेस बना लेते हैं, पूरा लाइनअप कर लेते हैं। और अब तो डीसी स्टूडियो को उनका खुद का ये केविन फाइगी मिल चुका है, यानी कि डैन ली, तो वो इसको पूरा मैनेज करेंगे और वही डिसाइड करेंगे आने वाले टाइम में कौन कौन सी मूवीज़ या सीरीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी और किस ईयर में कितनी मूवीज़ रिलीज़ करनी है। तो शायद मे बी इसी चक्कर में डीसी फैंडम कैंसिल हो गया है। बाकी आप क्या सोचते हो कि डीसी फैंडम का कैंसिल होने का रीज़न क्या हो सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बट मुझे तो पर्सनली यही लगता है कि शायद डीसी बहुत बड़ा लेवल की प्लानिंग कर रहा है, शायद उनको ये साल और चाहिए, शायद आने वाले टाइम में वो कुछ धमाकेदार करें। बाकी आपका क्या मानना है मुझे ज़रूर बताइएगा।